जब हमें पता नहीं चला तो इन्हें क्या पता चलेगा? तो हमने भी तो खोजा ही होगा, लेकिन उसका नाम आम का कोई पता क्यों था नहीं। आ गई, कहा चरण धो, सपत्नीक चरण धो। भगवान ने कहा अब ठीक है, अब पार कर दे, क्योंकि 11:30 से ज्यादा हो गए, अब करेगा पार पूरा समय से। कहा सरकार एक मिनट, बच्चे संस्कारी होने चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा होने तो चाहिए। जब विश्वामित्र जी आपके यहाँ आए थे अयोध्या में, तो आपके पिताश्री ने क्या किया था? भगवान बोले पिताश्री ने हम भाइयों को बुलाकर उनके चरणों में डाल दिया, तो हम भी तो पिता हैं। परमात्मा आया, हम बच्चों को नहीं डाल सकते आपके चरणों में? लक्ष्मण जी बोले भैया एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। क्या? कि अभी पत्नी को बुलाया और अब बच्चों को बुला रहा है, और अब तीसरी बार में मामा फूफा जीजा सबको बुलाएगा, ये किसी को अब छोड़ने वाला नहीं। तो 14 साल तक आप खड़े रहो गंगा के तट पर और पैर पखारता रहे और रिश्तेदारों को बुलाता रहे, और फिर 14 साल बाद फिर पूरा समय हो जाए वापस अयोध्या पहुंच चले। क्या लेना देना राक्षसों से, इसी के लिए तो आपका वनवास हुआ है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको आने दो, बुलाने दो, कोई बात नहीं, ले आओ बच्चों को भी ले आओ। बच्चों को ले आया, चरणों में डाल दिया, चरण धो, बच्चे चरण धो रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब तो निपट गया कि नहीं ये तुम्हारा चरण धोने वाला क्रम? बोले प्रभु निपट तो गया, लेकिन अभी गांव रह गया। अच्छा, भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुमने पूरे गांव का ठेका ले रखा है क्या? ये बताओ तुमने पूरे गांव का ठेका ले रखा है क्या? केवट कहता है सुनिए प्रभु, अयोध्या वालों ने आपको भले ही राजा नहीं बना पाया, अयोध्या वालों ने भले ही आपको राजा नहीं बना पाया, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, मैं आपके चरणों से पूरे ग्राम को जोड़ना चाहता हूं, और ग्राम को नहीं पूरे गिरवासियों को वनवासियों को जोड़ना चाहता हूं। और हे प्रभु, जो दीन हैं मलिन हैं उन सबको आपके चरणों से जोड़ना चाहता हूं, जिससे आप अयोध्या नाथ नहीं विश्वनाथ बन जाए, अखिल ब्रह्मांड नाथ बन जाए। ये मेरी अंतर्सत्ता की भावना है, अंतर भावना है मेरी, इसे आप स्वीकार करिए। तो बोलो कितनी अच्छी सोच है। राम जी को किस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है कि सभी को चरणों से जोड़ना चाहता है भगवान की, है? और इतना बड़ा समर्पण। और केवट कहता है कि प्रभु पूरा गांव को ही मैं अपना नहीं मानता हूं, पूरे के पूरे जितने भी धर्म और संस्कृति को मानने वाले हैं उनको मैं अपना मानना चाहता हूं। बोलो कितनी विश्व बंधुत्व की भावना से। ओतप्रोत व्यक्तित्व तो है कि नहीं केवट का? बोलो है कि नहीं? इसलिए जो जनप्रियता निषाद राज ने हासिल नहीं कर पाई वो केवट को मिल गई। मिल गई कि नहीं? आज भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो कह रहे हो हम सब स्वीकार करेंगे, लाओ बुलाओ सबको। पूरा शंगमेरपुर आ गया, सभी ने भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। भगवान ने कहा पूरा परिवार, तुम्हारा गांव ही पूरा परिवार निपट गया। केवट कहता तो अब पार करो, कहता है थोड़ी सी कृपा और कर दो। क्या? बोले पुरखे और रह गए। लक्ष्मण जी ने कहा पुरखे रह गए हैं, क्या करोगे उनका उद्धार? लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, गंगा की विशेषता क्या है? कोई भी कहीं मरे लेकिन तरने के लिए उसे गंगा में आना पड़ता है। बोलो भाई तरने के लिए कहाँ आना पड़ता है? गंगा में आना पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, इसके पुरखे यहीं पैदा हुए और यहीं रहे, यहीं मरे फिर भी नहीं तरे, ये इसके पुरखे कैसे पुरखे थे समझ में बात नहीं आ रही, फिर भी नहीं तरे, अभी तरने के लिए रह गए, अब ये तार रहा है, तरने के लिए रह गए हैं, ये तार रहा है। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, तुम नहीं जानते हो, एक बात बताओ, गंगा मेरे चरणों से निकली,
और निकली कि नहीं, लेकिन सही बताना तारा किसने है पुरखों को, भगीरथ ने तारा कि नहीं, किसने तारा? भगीरथ ने। इसलिए उनका एक नाम है भागीरथी गंगा, बोलो है कि नहीं महाराज? भगीरथ के कारण उनका नाम क्या पड़ा? भागीरथी। याद रखना ये प्रयास किसका था? पुरखों को तारने में प्रयास था राजा भगीरथ का। तो प्रभु जब आपके पुरखों को तारने में आपके वंश के राजा का प्रयास रहा, तो मैं आपके राज्य का राजा, आपके यहाँ राज्य व्यवस्था है, परंपरा राज परंपरा है, लेकिन हम अपने घर के राजा हैं। अपने अपने घर के सब राजा हैं कि नहीं, बोलो भाई? तुम सब जितने बैठे हो अपने अपने घर के राजा हो, के बटने का हम अपने घर के राजा हैं, तो हम अपने पुरखों को नहीं तारेंगे क्या? ये हमारी परंपरा, हम तार रहे, कैसे तारोगे? पुरखों के नाम पर चरण धोएंगे, और जैसे चरण धोएंगे कठौते में, और फिर उसी चरणोदक से तर्पण करेंगे, तो किसके पास पहुंच जाएगा? जल पुरखों के पास पहुंच जाएगा, और पुरखों के पास पहुंचेगा तो पुरखे तर जाएंगे, और जब पुरखे तर जाएंगे तो निश्चित है कि आप भी पार हो जाओगे, हमारे पुरखे भी पार हो जाएंगे। भगवान ने कहा पुरखों को भी तारना, न रह जाए तेरे पुरखे, तार ले पुरखों को। वास्तव में उसने पुरखों को भी तारा, और जैसे ही भगवान को नाव में बिठाला, पतवार हाथ में ली, अब नाव चल रही है। चलते 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 नाव गंगा की मध्य आ गई। जब गंगा के मध्य नाव आई, उसने पतवार छोड़ दी, बोला भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भूल हम लोगों से हुई जो विश्वास में आ गए। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, ड्राइवर बस स्टैंड पर बस को खड़ा किए हैं, दोनों ही नीचे खड़े हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर भी सवारियों को इशारा कर रहा है आइए आइए आइए, कंडक्टर भी कह रहा है आइए 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 आइए, तो आप क्या विश्वास करोगे कि ये ड्राइवर हमको निश्चित रूप से जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंचाएगा? विश्वास है आपको कि नहीं? और आप बस में बैठ गए, बस हो गई फुल सवारियों से, अब ये चले, और जैसे ही एक 80-90 की स्पीड में बस पहुंचे सड़क पर, और स्टीयरिंग छोड़ के कहे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, तो उस समय आप लोग क्या कहोगे? विश्वास में आ गए, देखो यही भूल की इस पर विश्वास किया। हम ये जानते कि 90 की स्पीड में बस चलेगी, स्टीयरिंग छोड़ के कहेगा भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, तो बैठते क्या इसकी बस में? भैया इसने पतवार छोड़ दी, वो मझधार में आके पतवार छोड़ी, कहता भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब आपका मैटर समाप्त है, आप हमारे हाथ में दो व्यवस्था, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अब जो भी परिवर्तन हो सकता है हो जाएगा, नहीं तो वो तो सब हो ही रहा है। धनुष पर बाण चढ़ाया, धनुष पर बाण चढ़ाया, तो पहले तो पतवार छोड़ के कह रहा था भूल हो गई, भूल हो गई। अच्छा कोई किसी को मारने के लिए दौड़ता है तो लेट जाता है कि नहीं लेटता? वो बोलो, जैसे कोई निशाना साध है तो बचने के लिए एक ही उपाय है कि वो लेट जाए, तो नाव ही में लेट लिया वो केवट। लक्ष्मण जी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, तो पहले तो बैठा था अब लेट गया। अब जैसे ही लेट गया तो लक्ष्मण जी ने कहा उठ, पतवार पकड़, नाव चला। तो केवट कहता है हम दोबारा भूल थोड़ी करेंगे ऐसे, तुम क्या कर रहे हो, नाव नहीं चलाओगे तो क्या कर रहे हो, नाव कौन चलाएगा? केवट बोला राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। लक्ष्मण बोले तुम क्या कर रहा है? केवट लेटे लेटे कहता हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो आराम कर रहे हैं, भगवान को हमें भरोसा है, हमारी नाव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम भगवान के चरणों में लेटे हैं और भगवान पर हमें पूरा विश्वास है। लक्ष्मण तुमको संदेह है, इसका मतलब तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, हमें तो पूरा पूरा भरोसा। भगवान राम ने कहा बोलो लक्ष्मण, भरोसा तुमको है कि इसको है? लक्ष्मण जी बोले भैया हम ही से भूल हो गई, भूल इससे नहीं हुई है, भूल किससे हुई?
भूल हमसे हुई है। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, तुम पतवार क्यों नहीं पकड़ रहे हो? केवट ने कहा बिना पतवार के नाव की कंडीशन क्या है? भगवान बोले चक्कर काट रही हो, आगे तो बढ़ नहीं रही, चक्कर काट रही है। अच्छा चक्कर काट रही है, हाँ चक्कर काटने से क्या होता है? भगवान बोले डूबने का डर होता है, जैसे नाव चक्कर काटने लगे तो भमर में चक्कर काटे तो पानी भरेगा तो डूबेगी। भगवान बोले चक्कर जो नाव काटने लगती है भमर में डूबने का डर रहता है, पानी भरेगा वो डूबेगी। केवट बोला कितने चक्कर काट चुकी है? भगवान ने कहा कितने चक्कर? लक्ष्मण जी बोले हम गिन रहे थे, क्योंकि जिसको मरने का डर होता है क्यों भाई, वो न जाने क्या क्या नहीं सोचता है, क्यों भाई सोचता है कि नहीं सोचता है? अपनी भूलों को भी स्वीकार करता है, पता नहीं क्या क्या नहीं करने लगता है, क्या क्या सोचने लगता है। लक्ष्मण जी बोले हमसे पूछो प्रभु कितने चक्कर काटे। अच्छा अच्छा लक्ष्मण तुम ही बता दो इसको केवट को कितने चक्कर काटे ना। लक्ष्मण जी बोले 50 कंप्लीट हो गए, 51 शुरू है रनिंग। अच्छा 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 केवट बोला इतने में घबराने लगे, अभी तो 50 ही पूरे हुए, 51 शुरू हुआ है। तो भगवान ने कहा क्या चक्कर कटाने वाला नियम है क्या? अच्छा एक बात बताओ कितना कितना चक्कर कटवाते हो तब पार करते हो? ये नियम सबके साथ लागू है क्या जो भी तेरी नाव में बैठते? बोले नहीं सबके साथ नियम लागू नहीं है, नियम केवल आपके साथ लागू है। भगवान ने कहा मेरे साथ भैया चक्कर कटवाने वाला नियम क्यों तूने लागू किया? केवट बोला हम जैसे जीवों को चक्कर कटवाने वाला नियम आपने लागू क्यों किया? हम जैसे जीवों को भी तो 84 लाख जन्मों का चक्कर कटवाते हो। अच्छा बोलो भाई हम सब जितने जीव हैं कितने लाख जन्मों का चक्कर काटते हैं जल्दी बोलो? 84 लाख। लक्ष्मण जी बोले भैया ये साधारण नहीं है, इसको हम सामान्य समझ रहे। भगवान बोले अब तुम चुप रहो, जब नाव भंवर में फंस गई फिर भी तुम बोल रहे हो, अब ऐसी कंडीशन में बोल चुप रहो, बातचीत होने दो। भगवान ने कहा अच्छा केवट कितनी चक्कर कटवाओगे? केवट ने कहा ऐसा है आप 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो, आप 84 चक्कर काट के देखो। 85 में घबराने लगे, 84 चक्कर तो काटने दो नाव को। भगवान ने कहा कि भाई घबरा रहा है। केवट ने कहा अब आप कल्पना कर लो हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते रहते हो कितना कष्ट होता होगा, आप 84 चक्कर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपका भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, हम जैसे जीव 84 लाख योनियों का चक्कर काटते रहते हैं, कटवाने वाले तो आप। भगवान ने कहा केवट कर्मों के अनुसार चक्कर कटवाए जाते हैं, किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार। योनि भ्रमत है जीव अविनाशी, आखिर 4,84,84। केवट ने कहा प्रभु कष्ट बहुत होता है लेकिन सहते हैं हम, कष्ट सहना पड़ता है। भगवान ने कहा केवट तुम मुझे पार कर दो, मैं वचन देता हूं। गंगा का जल हाथ में लिया और कहा कि आज मैं गंगा के मध्य वचन देता हूं, गंगा जल हाथ में लेकर, कि जो संसार का प्राणी केवट जैसा भाव मेरे प्रति रखेगा और केवट जैसी विमल निर्मल भक्ति करेगा, जिसका निर्मल अंतःकरण होगा, मैं उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा, उसे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। देखो भाई करना क्या पड़ेगा, केवट जैसा भाव लाना पड़ेगा। बोलो लाना पड़ेगा कि नहीं? केवट का भाव क्या है, बस एक भाव और सुन लो, इसके बाद वाणी को विश्राम। आज तो पता नहीं मेरा मूड क्या हो गया, 11:50 हो गए है ना, और ये लास्ट दिन तो नहीं है, कल है लास्ट, आज ही फंस गए हम।
बैठा कभी इस्लाम परसों दिन यहाँ का यही कम है सर। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा महाराज जी की 12 के बाद तो बजी जाएगा ना। नहीं तो अभी अभी 10 मिनट है अभी हम तो वही सिया पर रामचंद्र की है जो है ना परसों दिन विश्राम होगा। तो आओ जब भैया हमको 12 के पहले ही करना है अब हम समझ गए ये घंटे वाला चक्कर गड़बड़ है ये 12 वाली घड़ी गड़बड़ हो जाएगी इसलिए आओ सुनो जरा। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं लेकिन करना क्या पड़ेगा याद रखना तुम संकल्प लो समर्पण करो किसके लिए परिवार के लिए रिश्तेदारों के लिए नहीं राष्ट्र के लिए किसके लिए राष्ट्र के लिए समर्पण करो और आज तुम्हें संकल्प लेना है केवट का जो समर्पण है वो राष्ट्र के लिए है केवट का जो समर्पण है वो धर्म के लिए है केवट का जो समर्पण है वो संस्कृति के लिए है केवट का जो समर्पण है वो भारतीय सनातन के लिए है। प्यारे आज केवट का समर्पण देखें वही समर्पण यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए मैं दावे के साथ कह रहा हूं 84 लाख योनियों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। समर्पण क्या है भाव की ही बात है सुन लीजिए जरा। केवट ने कहा ठीक है प्रभु पतवार उठाई और पार किया। गोस्वामी जी कहते उतर ठाणी भय सुर सरी रेता सियाराम गोहि लखन समीता केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुचे जैसे केवट ने दंडवत किया भगवान को संकोच हुआ कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया। अरे इसके घाट पर आया सामान्य से सामान को पार जब ये करता है तो 10-15 रुपया मिल जाता होगा लेकिन इसे विश्वास ये था कि अयोध्या के राजकुमार आए हैं। कौन आए हैं अयोध्या के राजकुमार आए हैं।